मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की इस वीडियो ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जिस चैप्टर का हमें अध्ययन करना है उसका शीर्षक है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आइए सबसे पहले देख लें कि आज के इस लेक्चर में हमारे शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं। आज सर्वप्रथम हम भूमिका देखेंगे, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। इसके उपरांत हम कार्य तथा गतिज ऊर्जा की धारणा को समझेंगे और इसी में हम आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बताएंगे। इसके उपरांत कार्य को परिभाषित किया जाएगा, कार्य की परिभाषा, और इस लेक्चर के अंत में मैं आपको गतिज ऊर्जा की परिभाषा बताऊंगा। प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम कार्य ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में जाने। प्रायः यदि कोई मिस्त्री ईंटा ढोता है, कोई किसान खेत जोतता है, बच्चे परीक्षा में अध्ययन करते हैं, कोई चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है, तो हम ये धारणा रखते हैं कि यहां पर कार्य हो रहा है, परंतु यह कार्य की व्यापक परिभाषा नहीं है। भौतिक विज्ञान कार्य की व्यापक परिभाषा को गणितीय रूप में प्रदर्शित करता है। आप ये जान लें कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करने पर वह वस्तु बल की ही दिशा में विस्थापित हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा वस्तु पर कार्य संपादित किया गया है। अब जिस व्यक्ति में प्रतिदिन जितना अधिक कार्य करने की क्षमता होती है उसे अधिक ऊर्जा अथवा शक्ति वाला कहा जाता है। कार्य करने की इसी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति शब्द का अभिप्राय कार्य करने की गति से है, कार्य करने की दर से है। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति की धारणाओं को विकसित करने के लिए यह अति आवश्यक है हमारे लिए कि हम दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में जानें। पूर्व में आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन हम इसमें संक्षिप्त रूप से आपको अदिश गुणनफल के कुछ गुणों को बताने का प्रयास करेंगे। परिभाषा कहता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है जिसका परिमाण उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है और थीटा इन वेक्टरों के बीच का बना हुआ कोण है, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। अब यदि हम वेक्टर बी के अंतिम सिरे से वेक्टर ए पर एक लंब गिराएं तो यह इसे बिंदु पी पर काट रहा है और इसका शुरुआत बिंदु ओ से हुआ है, तो ओपी की लंबाई बी कॉस थीटा प्राप्त हो रहा है। बी कॉस थीटा वास्तव में वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक है। तो इस प्रकार से हम दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल को कैसे परिभाषित करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बराबर सदिश ए का परिमाण गुणे सदिश बी का सदिश ए की दिशा में घटक। सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। आपको पता है पहले से कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब यदि हम लंब कोणीय एकांक वेक्टरों की बात करें तो हमारे पास क्या सूत्र है, वेक्टर आई डॉट आई बराबर वेक्टर जे डॉट जे बराबर वेक्टर के डॉट के, ये बराबर होता है वन के, और वेक्टर आई डॉट जे बराबर होगा वेक्टर जे डॉट के, ये बराबर होगा वेक्टर के डॉट वेक्टर आई,
और ये बराबर होगा किसके? जीरो के। इन रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे, कार्य की परिभाषा में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि कोई वेक्टर ए है जो इस प्रकार से है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और कोई दूसरा वेक्टर है बी जो इस प्रकार से है, वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इनका अदिश गुणनफल कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अदिश गुणनफल के इन परिभाषाओं को संक्षिप्त रूप में डिस्कस करने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं कि हम कार्य तथा गतिज ऊर्जा की धारणा को समझ सकें और इसी के अंतर्गत कार्य ऊर्जा पर प्रमेय पर हम बात कर सकें। हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी नियत त्वरण स्मॉल ए के अंतर्गत सरल रेखीय गति में गति करता है तो गति का तृतीय समीकरण कहता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ad। यहां पर v वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और d वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है। उपर्युक्त समीकरण के दोनों पक्षों में यदि हम m बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो समीकरण का प्रारूप कुछ इस प्रकार से हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम ए डी। समीकरण का प्रारूप इस प्रकार से प्राप्त जब हो गया और हमने इसे ध्यान से देखा, यहां पर हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का प्रयोग कर सकते हैं। देखें, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान यम और त्वरण ए का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल एफ के बराबर होता है। तो यम इंटू ए के जगह पर रख दिया एफ, तो समीकरण को रूप मिला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ डी। अब जरा इस समीकरण को आप ध्यान से देखें, इस समीकरण का बायां पक्ष वस्तु के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तथा अंतिम गतिज ऊर्जा के अंतर को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात हाफ एम वी स्क्वायर यह वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है और हाफ एम यू स्क्वायर यह वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। इन दोनों का अंतर हमने मान लिया ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। अब यहीं पर समीकरण के दाएं पक्ष को देखें, समीकरण का दाया पक्ष क्या प्रदर्शित करता है, यह दर्शाता है वस्तु पर आरोपित बल का विस्थापन के अनुदिश घटक तथा वस्तु के विस्थापन का गुणनफल को यह प्रदर्शित कर रहा है। इस राशि को भौतिक विज्ञान में कार्य कहा जाता है, अर्थात कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। इस पर हम डिटेल में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो कहता है कि के एफ माइनस के आई अर्थात वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर है डब्लू के अर्थात कार्य के। यहां पर स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा कृत कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। इस कथन को हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से जानते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसी प्रमेय के आधार पर अब और भी कई रिजल्ट हमें इस चैप्टर में प्राप्त करने होंगे और उसी कड़ी में हम पहला कार्य करने जो जा रहे हैं वह है हम कार्य को परिभाषित करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी आपसे चर्चा हुई उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये कहता है कि किसी बल द्वारा कृत कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक प्रयोग के माध्यम से आइए मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। आपको देखें जरा इस चित्र को, इस चित्र में
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कोई अचर बल है जो किसी स्मॉल यम द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जा रहा है। इसके कारण पिंड धनात्मक यक्ष दिशा में स्मॉल डी दूरी से विस्थापित हो जा रहा है। अब यहां पर आप देखें, विस्थापन धनात्मक यक्ष अक्ष के अनुदिश हुआ है। क्या बल भी धनात्मक यक्ष अक्ष के अनुदिश लग रहा है? नहीं। बल को यदि हम दो घटकों में वियोजित करें तो इसके दो घटक मिलेंगे, एक लंबवत घटक, एक समांतर घटक। जो यह लंबवत घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इसका मान f sin थीटा के बराबर होगा, और जो यह क्षैतिज घटक समांतर घटक होगा, इसका मान f cos थीटा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन की दिशा में कौन सा बल लग रहा है? f cos थीटा। तो कार्य की परिभाषा में बल के स्थान पर हम f cos थीटा को रखेंगे। तो इस अनुसार W बराबर हो गया F cos theta into D, अथवा W बराबर F D cos theta। और आपने अदिश गुणनफल पढ़ा है, उसके परिभाषा के अनुसार ये हो गया W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। जब इनका हमने डॉट गुणन कर दिया, स्केलर गुणन कर दिया, तो कार्य प्राप्त हुआ। आप जान लें, कार्य एक अदिश राशि होता है, अर्थात यह एक स्केलर होता है। यहां से स्पष्ट हो जा रहा है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, देखें जरा डी, अगर यह डी जीरो है, इस फॉर्मूले में डी जीरो है, तो कितना भी बल आप वस्तु पर आरोपित कर दीजिए, उसके द्वारा कृत कार्य हमेशा शून्य ही होगा। उदाहरण स्वरूप, कोई दृढ़ दीवार पर यदि आप बल लगाते हैं, तो इस प्रक्रिया में कृत कार्य शून्य ही होता है। आप ये जान लें कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि बल और विस्थापन के बीच बड़ा कोण जो थीटा है वो कितना प्राप्त हो रहा है। इसके लिए पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केस हम देखें, यदि थीटा बराबर पाई बाई टू है, अर्थात बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत है, तो इस स्थिति में कार्य का सूत्र कहता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर पाई बाई टू आपने रख दिया, तो प्राप्त हुआ W बराबर एफ डी कॉस पाई बाई टू। आप भली भांति जानते हैं कि कॉस पाई बाई टू का मान शून्य होता है, तो यहां पर कार्य बराबर क्या मिल गया? जीरो मिल गया। उदाहरण, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण बल यम जी कोई कार्य नहीं करता है। जरा इसको हम समझें इस चित्र के माध्यम से। ये देखें, ये चिकना क्षैतिज तल हो गया, इस पर कोई पिंड इस प्रकार से रख दिया गया है, बल आरोपित किया गया यफ, तो इस बल के प्रभाव में धनात्मक यक्ष दिशा में यह पिंड विस्थापित हो गया। कितना विस्थापन हुआ? तो कहता है स्मॉल डी विस्थापन हुआ। विस्थापन की दिशा धनात्मक यक्ष अक्ष की दिशा में है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल एम जी कार्य कर रहा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इनके बीच का कोण देखें आप कितना बना, कोण बन गया पाई बाई टू, और जब हमने थीटा के जगह पाई बाई टू रख दिया, तो उस स्थिति में कार्य शून्य प्राप्त हो रहा है। अब देखें केस टू, यदि थीटा का मान शून्य के बराबर अथवा शून्य से बड़ा है तथा 90 से छोटा है, तो इस स्थिति में कॉस थीटा धनात्मक प्राप्त होता है। और यदि कॉस थीटा धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो सूत्र के अनुसार कार्य भी धनात्मक ही प्राप्त होगा। उदाहरण, किसी छत से मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कृत कार्य सदैव धनात्मक होता है। इसे भी हम समझें इस चित्र के माध्यम से। देखिए, ये कोई छत है, इस पर कोई पिंड रख दिया, मुक्त रूप से गिर रहा है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन यह वस्तु नीचे की तरफ गिर रहा है, और इसका विस्थापन हो रहा है नीचे की तरफ, बल एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। आप देखें, विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण बल एम जी के बीच जो कोण बन रहा है वह शून्य है, और कॉस जीरो का मान प्लस वन होता है,
तो इस आधार पर कॉस वाला पद धनात्मक है तो कार्य भी इस स्थिति में धनात्मक ही प्राप्त होगा। तीसरा केस आप देख सकते हैं, यदि थीटा का मान 90 से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है तो थीटा के इस मान के लिए कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए कार्य भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। उदाहरण, घर्षण बल द्वारा कृत कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। आप देखें, यह कोई क्षैतिज तल है, इस पर कोई वस्तु रख दिया, इस पर बल लगाया, यह वस्तु विस्थापित हो गया। विस्थापन की दिशा प्लस यक्ष अक्ष के अनुदिश है। जो घर्षण बल कार्य करता है वो हमेशा गति विरोधी होता है, तो घर्षण बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। देखिए, विस्थापन यदि इधर हो रहा है तो घर्षण बल इधर लग रहा है, इनके बीच का जो कोण है वो आप देख रहे हैं 180 डिग्री के बराबर लग रहा है, और कॉस 180 का मान आप जानते हैं कि ऋणात्मक होता है, इसलिए इस स्थिति में जब भी घर्षण बल कार्य करता है तो वह सदैव ऋणात्मक ही माना जाता है। आइए जरा एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बातों को और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। आपको पता करना है सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया और साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। ध्यान दीजिएगा, साइकिल सड़क पर 200 न्यूटन के बल से चलाई जा रही है, जिससे वह 10 मीटर से विस्थापित हो जाता है। सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए घर्षण बल द्वारा कृत कार्य कितना हो जाएगा? सूत्र के अनुसार W बराबर FD cos थीटा। प्रश्न के अनुसार F का मान रख दिया 200 न्यूटन, विस्थापन रख दिया 10 मीटर, और चूंकि घर्षण बल है इसलिए थीटा का मान हो गया 180 डिग्री, और cos 180 का मान होता है -1, तो इस प्रकार से कार्य मिला -200 जूल के बराबर कार्य यहां प्राप्त हो रहा है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह कहता है कि साइकिल द्वारा सड़क पर लगाया गया बल सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होगा। इसका परिमाण 200 न्यूटन बताया गया है इस प्रश्न में, परंतु सड़क अभी भी आप देखें इसका विस्थापन नहीं हो रहा है, अतः सड़क पर साइकिल द्वारा कृत कार्य शून्य ही होगा। उपरोक्त उदाहरण से एक बात यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम केवल बलों के लिए ही मान्य है। पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाए गए बल के बराबर तथा विपरीत होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि पिंड बी द्वारा पिंड ए पर किया गया कार्य पिंड ए द्वारा पिंड बी पर किए गए कार्य के बराबर तथा विपरीत दिशा में हो। इतने डिस्कशन के बाद आप ये जान लें कि कार्य की बीमाएं क्या होती हैं। कार्य की बीमाएं द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2 और समय में -2 होता है, ML2T-2, और कार्य का मात्रक जूल होता है। परिभाषा कहता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो यहां से हमें मिल गया 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अतः यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो बल द्वारा वस्तु पर कृत कार्य 1 जूल होता है। कार्य के अन्य भी कई वैकल्पिक मात्रक हैं। पहला है अर्ग, 1 अर्ग बराबर होता है 10^-7 जूल की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6×10^-19 जूल की। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल की। और 1 किलोवाट घंटा किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6×10^6 जूल के ये बराबर प्राप्त होता है। तो कार्य की अभिधारणा आप समझ पाए होंगे, कई वैकल्पिक मात्रक भी आपको बताए गए, इन पर भी विशेष चर्चा आगे के टॉपिक्स में हम करेंगे। आइए जरा सब हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है।
कोई वस्तु अपनी गति के कारण जो ऊर्जा अर्जित करता है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहां पर आप देखें गणितीय रूप से हम कैसे गतिज ऊर्जा को परिभाषित करेंगे। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग स्मॉल v है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यम पिंड का द्रव्यमान है और वी उस पिंड का वेग है। गतिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि होता है। किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य का माप होता है जो वह अपनी गति के कारण अर्जित कर सकता है। तीव्र गति से बहने वाली जल की धारा की गतिज ऊर्जा का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। ऊर्जा की जो अभिधारणा है तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति और अपनी गति दोनों के ही कारण ऊर्जा अर्जित करता है। इसमें जो गति के कारण ऊर्जा अर्जित होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं। अब यहां पर एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके अनुसार किसी प्राक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी अर्थात प्लाईवुड पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, यह आपको ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको बताया गया है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर और प्रश्न में दिया गया है कि यह मान 1000 जूल के बराबर है। फिर देखें गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रश्न में कहा गया है कि अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 10% है, तो 1000 जूल का 10% आप निकालें तो जब आप निकालेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 100 जूल के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम ये मान लेते हैं कि नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात वेग vf हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा से अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m vf स्क्वायर और यह मान हमने पहले 100 जूल निकाल रखा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाफ m vf स्क्वायर बराबर 100 जूल और जब आप इसे हल करेंगे तो vf का मान 63.2 मीटर प्रति सेकंड के बराबर प्राप्त होता है। तो बच्चों आइए हम कुछ और आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि बल F जो कि बराबर है 3i प्लस 4j माइनस 5k माइनस 5k तथा विस्थापन वेक्टर d बराबर 5i प्लस 4j प्लस 3k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कैसे हम इस कार्य को कर सकते हैं तो आइए इसका हल देखें, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदिश गुणनफल की परिभाषा आपको बताई गई है और अदिश गुणनफल की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि कार्य का सूत्र होता है W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D। तो ये हो गया W बराबर F D cos थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं अथवा W बराबर ये हो गया W अपॉन एफ डी इक्वल टू कॉस थ्रीटा। तो यहां से थ्रीटा बराबर हम मान निकाल रहे हैं, थ्रीटा बराबर कॉस इनवर्स W अपॉन एफ डी। अब यहां हमें यदि तीन राशि पता हो, कार्य का आंकिक मान कितना है, बल का आंकिक मान कितना है और विस्थापन का परिमाण कितना है, तो हम इसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। आप ध्यान दें कि W बराबर हो गया
वेक्टर एफ डॉट डी, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, अथवा W बराबर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। हल कर लीजिए, मिल जाएगा 15 प्लस 16 माइनस 15, तो W इक्वल टू मिल गया 16 जूल। इसी प्रकार से यदि हम F और D विस्थापन और बल का परिमाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो F बराबर होगा अंडर रूट F x स्क्वायर प्लस F y स्क्वायर प्लस F z स्क्वायर। तो ये हो गया F बराबर अंडर रूट, इसका मान हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो F बराबर हो गया अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, तो F बराबर मिल गया अंडर रूट 50। बल का अंकिक मान मिला अंडर रूट 50, और हम विस्थापन के आंकिक मान को यदि निकालें तो यह मान हो जाएगा d बराबर अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। मान रख दीजिए, तो d बराबर हो गया अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हल करेंगे, यह मान भी अंडर रूट 50 के बराबर मिलेगा। सूत्र हमें क्या मिला हुआ है कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स डब्लू अपॉन एफ डी, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन अंडर रूट 50 अंडर रूट 50। हल करें यदि हम लोग इसे, तो हमें क्या परिणाम मिल रहा है, अथवा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 16 अपॉन 50 अथवा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0.32। इस प्रकार से बल और विस्थापन के बीच में हमने कोण प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप इस चैप्टर के अन्य आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। एक गृह कार्य है आपके लिए, जरा देखें गृह कार्य किस रूप में आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पिंड है और उस पर 5 न्यूटन का अचर बल लगाया जाता है, तो F बराबर कितना हो गया 5 न्यूटन, और इसके कारण सरल रेखा में वह गति करते हुए कितना विस्थापित हो जा रहा है, तो कहता है कि 10 मीटर से यह विस्थापित हो जा रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कृत कार्य यदि हम मान लें कि W बराबर 25 जूल है, W बराबर 25 जूल है, तो आपको बताना है कि बल पिंड की गति के किस दिशा में किस कोण पर कार्य कर रहा है, अर्थात आपको थीटा का मान ज्ञात करके बताना है। बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो आपसे निकालने को पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आपके पाठ में अनेकों आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, मुझे पूरी आशा है बच्चों कि आप लोग उसे हल करेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बताई गई सारी बातों को आप आत्मसात कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि कार्य क्या है और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। परंतु ध्यान रहे, आज के लेक्चर में हमने जो कार्य ऊर्जा प्रमेय निकाला है वह एक अचर बल के लिए, एक नियत बल के लिए प्राप्त किया है। यदि यह बल परिवर्ती बल होगा तो उस स्थिति में कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में अगले लेक्चर में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ साथ मेरी आपसे एक अपेक्षा भी है कि इस लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट्स आपके परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो आप पाठ को समझने के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें। शेष अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।